जितने भी घोटाले हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा करप्शन रक्षा की खरीद में हुआ, मगर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रक्षा मंत्री जी ने 4,100 आइटमों को इंपोर्ट की नेगेटिव लिस्ट में डालकर यहां उत्पादन किया। और आत्मनिर्भर भारत की रचना कैसी होती है, इसकी नींव कैसे डाली जा सकती है, डिफेंस जैसे अति टेक्नोलॉजी वाले और स्पर्धात्मक क्षेत्र में इसको करकर नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत का रक्षा उत्पादन न केवल भारत, कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है और भारत एक रक्षा के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए मान्यवर, और 22-23 में 16,000 करोड़ से ज्यादा का निकास किया गया, निर्यात किया गया, ये आंकड़ा लाखों करोड़ों में जाने वाला है। मान्यवर, चार दशकों से श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब से देश का सेना का जवान, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, वो वन रैंक वन पेंशन की मांग करता है। सब भक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने सेना के सम्मान में निर्णय किया और 42,000 करोड़ से ज्यादा राशि वन पेंशन। मान्यवर, दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, चाहे यूक्रेन हो, यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसते हुए हमारे भारतीय हो, 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने के रखकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी से। ऑपरेशन राहत 5,000 भारतीय और 2,000 विदेशी नागरिकों को वहां से यमन से निकाला और 2,00,000 उड़ानों के माध्यम से 2.97 लाख, मतलब 3 करोड़ करीब यात्रियों को सकुशल कोरोना के वक्त वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया। मान्यवर, चीन की सीमा पर हमारी आर्टिलरी न पहुंचे ऐसी स्थिति थी, रोड ही नहीं बनाए थे, नक्शा ही देखते रहते थे। नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी की टुकड़ी ने सीमा के अंतिम गांव तक, भारत के प्रथम गांव में रोड पहुंचाने का, वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से गांव खाली न हो, इसकी चिंता मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने।